हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉस्टिच चैनल। रेडीमेड प्लाजो की लेंथ को बिना कटिंग किए हुए छोटा कैसे करें, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले हमें प्लाजो की लेंथ को नाप लेना है। ये मैं आपको दिखाती हूँ, इसकी लेंथ जो है 42 इंच है और हमें 38 इंच चाहिए, इसलिए 38 इंच पर निशान लगा लें। ऊपर वाली साइड को इंची टेप से आप नाप कर देखें, ये 4 इंच है। प्लाजो के नीचे वाली साइड डिज़ाइन है, इसलिए हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना है। ऊपर वाली साइड इलास्टिक है, लेकिन हमें इसके आसन को नाप कर देखना है। ये जो आसन है 16 इंच है, तो हमें 13 इंच आसन चाहिए। आप यहाँ पर 12 इंच पर निशान लगा दें और ऊपर वाली साइड से अब कपड़े को नाप कर देखें। देखिए 4.5 इंच है, यानी कि आधा इंच वह बढ़ गया है, तो 4.5 इंच पर आप निशान लगा लें और इन सारे निशान को स्केल से इस तरीके से मिला लें। अब प्लाजो को दूसरी तरफ से बदलकर 4.5 इंच पर निशान लगा लेने हैं और इन निशान को भी स्केल से मिला देना है। ये 12 इंच आसन पर निशान इसलिए लगाया क्योंकि जो इलास्टिक है 1.5 इंच का है और 13.5 इंच का आसन जो है तैयार रहेगा। अब मैं आपको बताती हूँ इसे स्टिच किस तरीके से करना है। ये जो निशान लगाए हैं उसे इस तरीके से इसके ऊपर इलास्टिक को खींचते हुए रखना है और इसकी स्टिचिंग करनी है। तो चलिए इसे स्टिच करते हैं, मैं आपको एक बार फिर से दिखाती हूँ। निशान के ऊपर आप फोल्ड करके इस तरीके से रखें और इलास्टिक जो है उसे खींचते हुए नीचे वाली साइड से भी बराबर कपड़े को लेते हुए स्टिच करते जाना है। अब आपको इलास्टिक को खींचते जाना है और प्लाजो के नीचे वाले कपड़े को बराबर रखते हुए स्टिच करना है। जो 4.5 इंच पर निशान लगाया था उस कपड़े को हाथ से नीचे वाली तरफ करते जाएं और इलास्टिक के बिल्कुल नीचे वाली साइड से स्टिचिंग करते जाना है। देखिए इलास्टिक को स्टिच कर लिया है। अब मैं आपको बताती हूँ, ये जो कपड़ा एक्स्ट्रा है इसे हमें नीचे की तरफ करना है और इलास्टिक में जहाँ से स्टिचिंग की है उसके ऊपर एक बार फिर से स्टिचिंग करनी है। ऐसा करने से जो कपड़ा फोल्ड हुआ है वो नीचे की तरफ आ जाता है। आपके प्लाजो की लेंथ भी अगर ज़्यादा है तो आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई करें। दो सिलाई लगाकर बिना कटिंग किए हुए प्लाजो की लेंथ को छोटा कर सकते हैं और बहुत ही कम समय लगता है। इलास्टिक को सेट करने में बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आई है और जो कपड़ा फोल्ड किया था वो अंदर की साइड है। अब हम प्लाजो की लेंथ को नाप कर देखते हैं। ये परफेक्ट 38 इंच तैयार है और जो आसन है उसे भी नाप कर देखते हैं। ये 13 इंच है, यानी कि 13 इंच। बिना कटिंग किए हुए प्लाजो की लेंथ छोटा करने की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें। जो मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।